मोहल्ले वालों के कपड़े लाया हूँ। धोने से तो कोरोना हो रहा है, क्या कपड़े धोने से कोरोना नहीं होगा? मेरा बेटा नितिन तो समझता ही नहीं है। सारे मोहल्ले के कपड़े मेरे ही सर मरेगा क्या? कमाई कुजाई तो कुछ हो नहीं रही है, तू है कि मानता ही नहीं है। क्या हुआ पिताजी, कुछ काम मिला या नहीं? कोरोना के वजह से पुलिस आने जाने नहीं दे रही, कहीं काम कहाँ से मिलेगा। आज कुछ पैसे कमा के लाए हो कि आज फिर खाली हाथ आ गए? घर में आटा दाल चावल कुछ भी नहीं बचा है, पानी पी पी के कब तक जियोगे? कल तला कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। ये लीजिए कुछ रुपए, मोहल्ले वालों के कपड़े धो के मिले हैं। तुझे मना किया था कि जो है मोहल्ले के कपड़े मत धो, कोरोना की बीमारी लग गई तो हम तो मारे जाएंगे। जय हो समाज की। अरे हम समाज के नेता हैं, हमारे होते हुए कोई भूखा नहीं मरेगा।
तेरी पत्नी सुमन ही मुझसे बात नहीं करती पृथ्वी। जिस किसी के पास जाता हूँ फूलों से स्वागत होता है मेरा, फूलों से। आखिर मैं नेता जो हूँ। फूलों से नहीं, तेरा चप्पलों से स्वागत करूंगी। राम राम। राम राम। अस्पताल के डॉक्टरों के कपड़े धोगे क्या? अच्छा पैसा दूंगा। कपड़े धोएंगे, आपकी मेहरबानी, काम दिला दीजिए। ठीक है, मिल जाएगा। बहुत खूब, बहुत मेहनती हो भाई। मेरी जान चली जाए, मेरे पास मत आना।
जी तुम कौन हो? मुझे कंचन कनौजिया ने भेजा है तुम्हारे हालचाल लेने के लिए। तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? बुरे वक्त पे जब भगवान काम नहीं आते तो हमारे मालिक चंचल कनौजिया काम आते हैं। मालिक ने जो तुम्हारे लिए फूल भेजा है, अगर मेरे पास 5,000 रुपए होते तो मैं अपने पति का कोरोना का टेस्ट ना करवा लेती। अरे तुम मुझे फूल दे रहे हो? हमारे मालिक तुमको जो है 5,000 रुपए देंगे, लेकिन तुमको उनके बंगले पे जाना होगा। क्या? अगर मैं बंगले पे ना जाऊं तो? मेरा नाम साधना पांडे है। तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। सुमन, तुम्हें कोई भी आवश्यकता हो मुझसे संपर्क कर लेना। मुझे अब कोई जरूरत नहीं, मैं अपने परिवार का खुद बोझ उठा लूंगी। नितिन, अंकल का सुनकर बहुत दुख हुआ है। नितिन, आंटी को समझाओ कि दिन रात कपड़े ही धोती रहेंगे। मेरी तो सुनती नहीं है, तुम ही जाके समझा दो। यार आजकल किसी के कपड़े धोना मौत को दावत देना है। कोरोना बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। गुड, ये काम बंदी समझो, धोबी घाट तो रहे नहीं। वो माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जो बच्चे हैं उनका भगवान मालिक है। चलो मेरे साथ। मम्मी मैं भी कपड़े धोऊं? बस नहीं बेटा, ये काम मेरा है, मुझको करने दो।